देखा, बच्चों को देखा, सर पे चढ़ गए थे। इतना प्यार दिया तो यही हाल होगा। सुनील, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। शांत हो जाओ नहीं तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, इस घर में हमारी भावनाओं की कदर है किसी को? मुझे है। आदाब, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। माधी, इसको यहां से चली जाए। ये बच्चों के खिलौने लेकर घूमने का क्या मतलब है? अक्षय और खुशबू तो पहले डिसाइड कर चुके कि वो माँ बाप नहीं बनना चाहते, और तुमने पहले हाथ ऊपर कर दिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और मैं और माधी। सुनील, इस उम्र में? पहले पूरी बात सुन लो। मैं ये कह रहा था कि मैं और माधी तो पोते पोते के सपने देख ही रहे थे, और तब तक देखते रहेंगे जब तक ये खिलौने हमारे आस पास रहेंगे। इसलिए बच्चों की सारी निशानियां हमारे आस पास से हटा लो। आदाब, मम्मी जी, माना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर हो सकती हूँ ना? हो सकती हो, शान नहीं मानेगा। मैं शांतनु को मना लूंगी। तुम्हारे बस की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मामले में वो अपनी माँ पर गया। सुनील, तुम एक औरत की ताकत को नहीं जानते। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है खनक, तुम शान को अपनी चाम में इतना पागल बना दो कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। कोशिश कर लो, कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लड़के चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लड़कों की मेंटालिटी नहीं छोड़ते। वो मैच्योर तब होते हैं जब उन्हें बच्चे हो जाते हैं, बच्चे उन्हें बड़ा करते हैं। शान बच्चा कभी नहीं चाहेगा। खनक, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना। ये हो सकता है, ये हो सकता है अगर तुम शान को अपने प्यार में फंसाओ, अपनी ब्यूटी से उसे पागल कर दो, ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारी हर बात माने। एक वफादार, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गई। अच्छा खनक, ये बताओ, तुमने हिंदी फिल्में देखी है ना? हाँ, मैंने मेले में कई बार जय संतोष की माँ देखी है। समझ जाए। खनक, मैं हिंदी रोमांटिक फिल्मों की बात कर रही हूँ। सुनो, तुम मेरी बात समझ गए ना? मम्मी जी, ये भी मैं समझ गया। ओके देन। वैसे वेरी नाइस खनक, बट तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हारे
दिमाग में ये चल क्या रहा है? वो कुछ नहीं शांतनु, वो मैं सोच रही थी कि मैं भी खुशबू भाभी की तरह सेक्सी लगूं ताकि आपको मुझ पर और ज्यादा प्यार आए। कनक, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। ऑलराइट, और मेरे लिए ऐसे ही बहुत सेक्सी हो। सच? मुझ इडियट। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? तुम ऐसे कैसे हो अक्षय? ऐसे कैसे हो मतलब? मतलब इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना मुझे डांटा ना गुस्सा किया, बस अभी तक अपने काम में बिजी हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कर भी कह सकता हूँ खुशबू। यू मीन तुम मुझे पनिश कर रहे हो जिस बिकॉज ये मेरा डिसीजन था? मैं तुम्हें पनिश क्यों करूंगा खुशबू? देखो बेबी, मुझे ये बच्चा चाहिए था पर तुमसे ज्यादा नहीं। देखो बेबी, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है और मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। थैंक यू। आई एम सॉरी अक्षय, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे के साथ मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे लगा कि एक बार बच्चा आ जाएगा तो तुम अपनी सारी अटेंशन उसे दे दोगे और मुझे भूल जाओगे। वैसे भी तुम पूरा टाइम अपने काम में इतना बिजी रहते हो तो मुझे लगा With the child, it's only gonna get worse. I'm sorry. लेकिन खुशबू, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम्हें क्या लगता है मैं जब काम पे रहता हूँ तो तुम्हें मिस नहीं करता हूँ? बहुत मिस करता हूँ। देखो, I'm sorry, मैं ये सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं कर पाया पर मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस अपसेट हूँ क्योंकि मॉम डैड इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। What? अक्षय, तो मैं भी मॉम डैड की पड़ी है। Do you have any idea how difficult this has been for me? ये अबॉर्शन, इसका क्या असर पड़ा है मेरे पे उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। So upset. I know baby, I know. I'm sorry. I'm very sorry. जानते हो अक्षय, जब मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज पता चली, I was so happy. I was so excited. But then I realized कि मैं माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। I just got scared. मैं बहुत डर गई। It's okay, baby. जब भी तुम रेडी हो मुझे बता देना और इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा। I promise you. और देखो, इस बार तुम डरोगी ना, इस बार मैं डर जाऊंगा as usual. I love you. I love you too. बेबी, एक फेवर कर दो मेरे लिए। कल सुबह हम मॉम डैड से माफी मांग लेते क्योंकि वो दोनों इस बात से बहुत अपसेट है। प्लीज। I know, we'll do it. लेकिन अभी तो मेरे साथ रहो। Follow me. I got. What the?
शान और खनक अब तक अपने बेडरूम से बाहर क्यों नहीं आए? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? खामोश। सुनील खंडेलवाल का प्लान तब तक फेल नहीं होता जब तक वो खुद नहीं चाहता। Just wait and watch. Follow me. हमें कल रात की रिपोर्ट चाहिए। तो खनक, तुम मां बनने के लिए तैयार हो, हाँ या ना? पर अकेले मां कैसे बनोगी? एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है। फॉलो मी। आओ आओ, मैं तुम दोनों को मेरा प्लान समझाता हूँ। डैड डैड डैड, अब हम भी आपके इस प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं डैड। यस डैड, प्लीज। माधवी, इनसे कहो यहां से चले जाए, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। सुनील, आप इन्हें नहीं जानते? सुनील, इसकी आदतें तो आपसे मिलती है, ये आपका बेटा और वो आपकी बहू है। आपसे सॉरी कहने आए हैं सुनील। देखो, इन्हें माफ कर दो, अगर ये परेशान रहेंगे तो आप भी कहां खुश रह पाओगे। माफ कर दो ना सुनील, कम ऑन। डैड, देखिए, हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन हम उससे कई ज्यादा आपसे प्यार करते हैं डैड। वी रियली लव यू। गाइस, तुम लोगों ने मुझे बहुत सेंटी कर दिया। हमें हमारा असली मकसद भुला दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों को पता है हमारा प्लान क्या है? यस डैड, शान को बाप बनने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी। यस डैड, हमने छुप-छुप के सब कुछ सुन लिया। वेरी स्मार्ट, बट सॉरी गाइस, तुम दोनों के लिए अभी मेरे पास कोई रोल नहीं, कल मैं जरूर कोई ना कोई रोल सोचूंगा, तब तक तुम दोनों मेरे चीयरिंग स्क्वाड। सो गॉट आर रेडी? यस। पर प्लान का नाम क्या है डैड? नाम? ओह गॉड, नाम तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, प्रोजेक्ट शान। ये तुम्हारा टेंडर नहीं? आदा, ये कैसे रहेगा? शांतनु बनेंगे पापा। ये कोई सीरियल का नाम नहीं है। मेरे पास एक नाम है, प्रोजेक्ट डैडी कूल। टिकटी पार्टी की कॉकटेल जैसा लगता है। आप भी बताइए। मिशन का नाम होगा मिशन पॉसिबल। आई नो थोड़ा चुराया हुआ लगता है, बट इट वर्क्स। तुम्हें बाद में बताऊंगा। सो गाइस, रेडी? यस गैंग। यस, बेवकूफ तुम्हें। हाँ, बेवकूफ, हाँ, और नालायक भी। तुम्हें नहीं, अरे तुम्हें कह रहा हूं नालायक। हाँ, अरे बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, आज भी अपना काम खुद कर सकता हूं। तुम्हें नहीं, तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें। हाँ, आज भी मार्केट में मेरा नाम है, मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शट अप डैड, एनी प्रॉब्लम? तुम्हें इससे क्या, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते डैड। मुझे लेकिन बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? तो जब भी कुछ बताया तुम काम बिगाड़ क्या हो शान, रहने दो मैं खुद कर लूं। बट डैड, देखो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैंने कह दिया ना तुम्हें। डैड, अब आपकी मदद मैं ही करके रहूंगा, मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या। आई वॉन्ट टू प्रूव यू रॉन्ग। ऑलराइट, ये लो फाइल, गोपलानी इंडस्ट्रीज की है। ये लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर रहे हैं, अब रीजन जो भी हो, लेकिन तुम्हें वहां जाके उन्हें कन्विंस करना है कि ये काम हमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ऑलराइट, डन डन, देख रहे हैं काम मैं कैसे करता हूं अभी। ओके, या मुझे क्या है, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिलने से मतलब है। या क्या, यू जस्ट वॉच आउट, वॉच, या द टाइम स्टार्ट्स नाउ। या 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 गो। या या या, हेलो
एजेंट हेलो 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 सब तैयारी हो चुकी है, अब बारी तुम्हारी है, ओवर एंड आउट। ये सब क्या है? कुछ नहीं, कितना सारा काम पड़ा, सब सामान बिखरा हुआ है। और कपड़े, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं बचे। इतने सारे कपड़े तो हैं। ये कपड़े, हाँ देखिए देखिए कितने सिकुड़ गए, और जो अच्छे हैं वो सारे धोबी के पास। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना सारा कपड़ा। भगवान, ये सारे रिलैक्स रिलैक्स। मुझे मम्मी जी और आधा के लिए इतनी सारी शॉपिंग करनी, रसोई घर में इतना सारा काम पड़ा, कैसे करूंगी मैं? रिलैक्स रिलैक्स कैसे हो जाओ रिलैक्स? हाँ बस बोल देने से हो जाएगा क्या? अपने आप सारा काम हो जाएगा? आप तो कुछ मेरी मदद करने वाले हो नहीं। मुझे कहो, मैं कर देता हूँ, बताओ क्या कहो? कहने की क्या जरूरत है, आपको दिखाई नहीं देता कितना सारा काम पड़ा? खनक। क्या खनक खनक, मेरी तो इस घर में किसी को परवाह नहीं है। अरे हद है यार, तुम तो बेइज्जती किए जा रही। कल रात तक मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा था, अभी सडनली बुरा हो गया मैं। देखा देखा, आपको सिर्फ बातें करना आता, काम करना नहीं आता, कुछ मत कीजिए आप मेरे लिए। हद है यार। ठीक है एक मिनट मुझे बताओ करना क्या, मैं करता हूँ। एक मिनट। या ये जो कपड़े हैं ना, इन्हें सूखी सफाई के लिए देना। सूखी सफाई? ये क्या होता है? आप कहते हैं ना वो ड्राई क्लीनिंग। हाँ सूखी सफाई। इतना बड़ा बिल्डर होकर बोलता है कि पैसा नहीं है, ए शाने एरा बन के पेड़ा खा रहा है क्या? तू एक काम कर, बंगले पे आ जा, भाई को तेरे साथ लंगड़ी खेलना है, तेरे पैर पे गोली पड़ेगी ना तो तू लंगड़ा हो जाएगा ना तारा। अरे राहुल जी आइए आइए, क्या बात है, अपन तो धन्य हो गया। तुम हमारे घर पे आया, अपनी तो तकदीर झकास हो गई। कभी हम तेरे को, कभी अपने आप को, और कभी भाई के घर को देख के हंसता है। ए शाने, तेरे को बोला था ना, भाई ने एक महीने का टाइम दिया है। भाई ने टाइम दिया है तो भाई कुछ भी कर सकता है। एक पैर पे खड़ा रखता है भाई, और दूसरा पैर अगर टच हुआ ना जमीन पर तो सीधा डिश्याम, डिश्याम। कई तरह के खेल खेलता है, जैसे लंगड़ी, खोखा, हाँ खोखा, खेलने वाला खोखा, खोखो, हाँ खोखो। अभी बोल तेरे को कौन सा खेल खेलना है, मतलब मेरा तेरे को मरना है या कि पैसा देना है? भाई को बुला। ए तू क्या समझता है, भाई तेरा नौकर है कि बटन दबाया और भाई दौड़ता हुआ आएगा? भाई दुबई में एक हफ्ते के बाद आएगा, भाई से मिलने के लिए अपार्टमेंट लेना पड़ता है। अपार्टमेंट? अपार्टमेंट, हाँ हाँ, बिल्डिंग वाला अपार्टमेंट नहीं, मिलने वाला अपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट? हाँ भाई अपॉइंटमेंट, भाई से अपॉइंटमेंट मिलेगा। ए छोटे, इसको अपॉइंटमेंट दे। जेनी, ए प्रॉब्लम, हरिलाल। लेखा, हरिलाल से ही कहना होता तो मैं नहीं करती। ठीक है यार हरिलाल कैंसिल, घबरा मत, अब एक घंटे में करके दिखाता हूँ मैं। पहले कभी किया है?
नहीं किया, लेकिन चैलेंज समझ के करके दिखाऊंगा। ठीक है, करके दिखाइए। करके देख लो। एक मिनट। हाँ। अंदर यार, इस घर में कोई भी समझता है कि मैं काम नहीं कर सकता। हेलो मम्मी जी, मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी। ओवर एंड आउट। अब मम्मी जी की बात, और उसके बाद तो शांतनु को मानना ही पड़ेगा कि वो बाप बनने के लिए तैयार है।